क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थी अब होने वाले आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि अब की बार 90 पार यही हमारा टारगेट है। जो बच्चा वास्तव में यहाँ पर 95-96% बनाना चाहता है, ये 10th क्लास का रिजल्ट है, 9th का नहीं 10th का। जब 10th में बना सकता है बच्चा तो आप भी बना सकते हो। पूरे नोट्स दूंगा, है ना, घबराना नहीं है। ये नोट्स रहे आपके सामने, पूरे पेपर के नोट्स है ना, ये देख लीजिए पूरे सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं ना। पहला देखते हैं, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। कौन से साल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर, ठीक है। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है आपका, चुनाव खेल का मतलब जो होता है राजनीतिक कंपटीशन होता है, यानी कि प्रतियोगिता होती है। गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। वास्तव में देश का कौन सा? हर चौथा आदमी निर्धन। बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते ना ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज। जर्मनी के विषय में थर्ड ऑपराइज साल्ट बेराट ने लिखी थी। चलिए, और ब्रह्मपुत्र का आपका जाएगा सांगपो, डल झील, कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था 1938 में। तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम औजार मशीन का आपका जाएगा ये स्थाई पूंजी। ठीक है ना, बार बार कह रहे हैं अपन, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको बता रहा हूं बेटा, जो 70% आने के चांस रहेंगे। अलग से पढ़ाई करो, खूब पढ़ो। ठीक है, यहां से देख सकते हैं, नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000। पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलने वाली नदी का नाम क्या था? ये झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। ये केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 965 है, असत्य है। अन्नपूर्णा दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, असत्य हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे कंप्लीट करेंगे। हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए विशेष यहाँ पर बता रहा हूं मैं ये। ठीक है, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। उत्तरी महाद्वीप में कौन कौन से देश है? वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? वनों के विनाश का क्या कारण है? भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? नमामि देवी परियोजना क्या है? अपवाह तंत्र क्या है? फ्रांस की क्रांति किन किन परिस्थितियों में हुई? हो गया इतना। इसके बाद में यहां से फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए ये आप देख सकते। खूनी रविवार की घटना क्या थी? जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली है क्या है, क्यों है समझाइए। लोकतंत्र के पक्ष में गुण बताइएगा। नेहरू जी ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्तान है और आराम का नहीं है? ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नामांकन पत्र क्या है आज से समझिए। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जनसंख्या